हेलो एवरीवन तो हमारी सीरीज़ चल रही थी और हम उसमें आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है आपकी कंपनी ओके okay? तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड ओके तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेक्शन टू सिक्सटी टू ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इज रिलेटेड टू ये जो सेक्शन टू सिक्सटी टू है कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन का ये किससे रिलेटेड है ऑब्जेक्ट क्लॉज से वन पर्सन कंपनी से नेम क्लॉज से या फिर कैपिटल क्लॉज से तो देखिए ये आपका रिलेटेड है वन पर्सन कंपनी से ओके okay? मतलब तो जो कंपनी की धारा है टू सिक्सटी टू उसमें एक व्यक्ति से संबंधित है तो धारा टू परिभाषा के लिए है मतलब टू में आपको डिफाइन एक्सप्लेन की गई है और जो उपधारा सिक्सटी टू है मैं बताया गया है कि एक व्यक्ति कंपनी वह कंपनी है जिसमें कि सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति है ओके तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उसका करेक्ट सिक्वेंस क्या है तो देखिए सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लेते हैं मतलब कच्चा माल जैसे कि आपने कोई डबल बेड बनाया तो जो लकड़ी वगैरह है टिम्बर जो है वो रॉ मटेरियल है फिर आप उसको वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं इट मीन्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं चीज़ों को असेंबल करते हैं फिर आप उसको एक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं इट मीन्स बेड बन के बिल्कुल तैयार हो गया है ओके okay? फिर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड ओके तो ये जो ऑप्शन ए है यही इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं प्राइवेट कंपनी में वो होते हैं टू देखिए कंपनी सेक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अकॉर्डिंगली जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम तो टू होंगे और मैक्सिमम टू हंड्रेड होंगे जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम सेवन होते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट ओके तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आप प्राइवेट कंपनी कैन इशू प्राइवेट कंपनी क्या इशू कर सकती है तो प्राइवेट कंपनी आपके शेयर सर्टिफिकेट इट मींस अंश प्रमाण पत्र को इशू कर सकती है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी फॉर द बिजनेस मैंडेटरी मतलब तो होता है बाकी आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था कि ऑप्शनल होता है तो मैंडेटरी किस में होगा जॉइंट कैपिटल आपकी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आपको दे रखा है एक निजी कंपनी नहीं कर सकती मतलब जो प्राइवेट कंपनी है डजेंट वो क्या नहीं कर सकती देखिए जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक इनविटेशन नहीं दे सकती अर्न करने के लिए ठीक है तो इसका जो ऑप्शन डी है बाकी जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें होते हैं हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी कर सकती है तो बस ये पब्लिक इनविटेशन नहीं कर सकती टू अर्न ओके सो तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है संवैधानिक निगमों का गठन किया जाता है इसके द्वारा मतलब जो आपका स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है वो किसके द्वारा फॉर्म्ड किया जाता है वो फॉर्म्ड किया जाता है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओके सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ पब्लिक कंपनी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर हमने पढ़ा था प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी तो पब्लिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड होते हैं और मिनिमम सेवन होते हैं ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू होते हैं और मैक्सिमम टू हंड्रेड होते हैं तो इसका आंसर क्या होगा अनंत मतलब कोई डेफिनेट नहीं आप कितने भी रख सकते हो मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं ओके सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ पब्लिक कंपनी कैन इशू तो देखिए पब्लिक कंपनी इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों को इशू कर सकती है ओके okay? तो कैन इशू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आपको दे रखा है अ गवर्नमेंट कंपनी इज़ वन वेयर इन इसमें से गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होगी तो देखिए वो कंपनी जिसके पास मोर देन फिफ्टी परसेंट शेयर्स होते हैं उसकी हो जाती है तो एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट इक्विटी शेयर्स आर ओन बाय द गवर्नमेंट कम से कम मोर देन फिफ्टी परसेंट इट मीन्स फिफ्टी वन परसेंट मिनिमम उसके पास शेयर्स होने चाहिए किसके पास गवर्नमेंट के शेयर्स होने चाहिए तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी ओके सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अ कंपनी इज सेट टू हैव बीन रजिस्टर्ड वैन एक कंपनी को आप कब रजिस्टर्ड मान सकते हो जब उसके पास उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो तब हम उस कंपनी को रजिस्टर्ड मान सकते हैं ओके सो ऑप्शन बी इट गेट्स इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट वन इज़ अ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज़ तो जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होता है ये क्रिएट होता है बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट संसद के विशेष अधिनियम से बनाया जाता है ओके सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऐसे ही स्टैचुरी कॉर्पोरेशन भी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन इज लीगली कंपल्सरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी होता है मतलब कंपल्सरी होता है सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर तो आपके आज के क्वेश्चन को मैं यहीं पर ऐड करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ओके okay? अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन बाय। टेक केयर